अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं के न्यूज चैनल। खबर शामिल करते हैं सक्खर से। हमारी नुमाइंदा महमूदा बानो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा सैयदा नफीसा शाह ने कहा है कि एपीसी की यकीनन मुस्बत नतीज निकलेंगे और आवाम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातें अपना किरदार अदा करेंगी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में तमाम जमातों को मुतहरक करने में चेयरमैन बिलावल भुट्टो का किरदार अहम है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तहरीक के मुताबिक लाहे मल तैयार किया जाएगा। खैरपुर में कत्ल होने वाले हिंदू ताजिर राजेश कुमार की बुरसा से ताजियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि राजेश कुमार लवाहिकीन से ताजियत का इजहार करना आई हैं। नौजवान ताजिर के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हैं। मकतूल ताजिर के बुरसा को यकीन दिलाते हैं कि कत्ल में मुलव्वस कातिलों को गिरफ्तार किया जाएगा। सैयदा नफीसा शाह का मजीद कहना था कि खैरपुर में बदमनी हुई तो वहाँ पर SSP का तबादला किया। उन्होंने कहा कि कोरोना से पूरी मईशत बैठ गई। इसी दौरान 25 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके आवाम पर मजीद महंगाई का बम गिराया गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कहते थे कि जब महंगाई होती है तो हुक्मरान करप्ट होता है, तो जितनी महंगाई मौजूदा हुकूमत में हुई इतनी महंगाई किसी हुकूमत में नहीं हुई।